हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल और आज हम बात करने वाले हैं के लाइट क्रीम के बारे में। तो यार, के लाइट क्रीम वैसे बहुत ज्यादा फेमस है, आपने इसकी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट जरूर सुनी होगी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टीवी हो या अखबार हो। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो क्रीम है ये एडवर्टाइजमेंट से ही फेमस हुई है और इसके जो फायदे हैं, जैसा आप सबको पता है और आप लोग सोचते हो कि यार ये जो क्रीम है आपके चेहरे को साफ करती है, तो यार बहुत से लोग मतलब बहुत सी कन्फ्यूजन है इस क्रीम के साथ। तो आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं आपको हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड मेडिसिन के रिव्यू देता हूँ जो आपकी हेल्थ को ग्रो करते हैं और आपकी ब्यूटी को अपडेट करते हैं। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि यूट्यूब पे या नॉर्मल्स में भी बहुत ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं। तो के लाइट में आखिर ऐसा क्या है जिससे आपकी जो शक्ल है वो साफ तो हो जाती है, लेकिन जब आप इसे छोड़ते हो तो आपका जो चेहरा वापस खराब हो जाता है। तो गाइस, मैं पहले ही साफ कर दूं, बेशक ये क्रीम बहुत अच्छी हो, इसके जो इफेक्ट है अच्छे हो, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट है, जैसे कि हम देख सकते हैं हाइड्रोक्विनोन, ट्रेनटोइन और मोमेंटम फ्यूरेट क्रीम जो साल्ट है, तो दोस्तों ये एक स्टेरॉइड साल्ट होते हैं जिन्हें इमरजेंसी के तौर पे यूज किया जाता है। तो गाइस, जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो में बोला जाता है इन क्रीमों के लिए कि सिर्फ 5 दिन लगाएं और ठीक हो जाएं, तो फिर एकदम ऐसा ही है दोस्तों। ये जो स्टेरॉइड साल्ट होते हैं ये एकदम उस टाइम काम कर देते हैं जब आपको एकदम मेन प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल है और आपको 1-2 दिन में शादियों में जाना है और आपको पिंपल ठीक करना है, तो उस टाइम ये जो क्रीम है इतना अच्छा वर्क करेगी, आपके 2-3 दिन में आपके पिंपल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो क्रीम है ये उसी पर्पज के लिए काम आती है और आपका चेहरा ये साफ भी कर देगी और आपकी जो शक्ल है, जैसे दाने पिंपल ये जो प्रॉब्लम होती है, उसे साफ कर देगी। तो गाइस, शक्ल तो आपकी साफ कर देगी, लेकिन क्या होता है दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो ज्यादा मात्रा में इसे लगाते हैं, जैसे सुबह भी लगा ली, शाम भी लगा ली और धूप में भी चले जाते हैं। तो गाइस, इसका जो साल्ट है वो उनमें से कुछ ऐसे साल्ट हैं जो धूप में जाने के बाद आपकी शक्ल पे रेडनेस छोड़ते हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है सनस्क्रीन से सीधा आपकी शक्ल पे पड़ता है और जिससे ये जो साल्ट होते हैं मतलब अपना रिएक्शन दिखा देते हैं और इससे आपकी जो शक्ल है, थोड़ा जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। तो यार, ये प्रॉब्लम है इस क्रीम के साथ। तो इसका क्या मतलब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दोस्तों इसका ये है कि आप इसे सिर्फ रात में लगाएं और उसी मात्रा में लगाएं जितनी मात्रा में आपको लगानी है और उधर ही लगाएं जहां पे आपको पिंपल है, ना कि पूरे फेस पे। और एक चीज और दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो आप सुबह सनस्क्रीन लगा के निकले, और अगर नहीं करते तो कोशिश करिए कि आप सुबह घर में ही रहें। तो यार, ये क्रीम बहुत अच्छी है, इसका कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक साइड इफेक्ट इसका ये है कि ये इसके जो साल्ट है वो स्टेरॉइड है, थोड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये अब हर चीज दोस्तों, हर चीज के अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती है अगर आप उन्हीं को गलत टाइम में यूज करते हो। तो यही है दोस्तों, अगर आप इसे लगा के सुबह भी निकलते हो, अब बहुत से लोग इसे सुबह लगाते हैं तो वो सीधा ही बाहर चले जाते हैं, तो उनकी शक्ल या मतलब जो शक्ल होती है वो रेड हो जाती है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जब हम इसे छोड़ देते हैं तो हमारी शक्ल काली भी हो जाती है। यार, अब एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी चीज को लगा रहे हो बहुत टाइम से और अब आप इसे छोड़ते हो तो उसका रिफ्लेक्शन तो आपको सिंपल सी बात है देखने को मिलेगा ही। तो गाइज, अगर आपको इसको छोड़ना है तो आप इसे धीरे धीरे छोड़ियो और साथ ही साथ दोस्तों अपने फेस पे अच्छे मतलब अपने फेस पे या फेस पैक या लोशन लगा के स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप इसे छोड़ो वैसे वैसे उन्हें लगाते रहो ताकि आपकी जो फेस है उस पर कुछ इफेक्ट ना पड़े। तो यार, ये जो क्रीम बहुत अच्छी है, अदरवाइज इसका आपको मैंने जो भी प्रॉब्लम थी वो सब शेयर करी है। तो अगर आपको कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दे दूंगा। और दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे